हेलो एवरीवन, क्रिमिनल लॉ लेक्चर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन पेनल कोड ये मानता है कि जो कोई भी प्री प्लान क्राइम है वो चार स्टेजेस से गुजरता है। यानी कोई ऑफेंस, किसी ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया है तो वो चार स्टेजेस से गुजरा होगा। फर्स्ट तो उसने इंटेंड किया होगा कि मुझे ये काम करना है, फिर उसके लिए उसने प्रिपरेशन किया होगा, फिर अटेम्प्ट किया होगा, और जब अटेम्प्ट कामयाब हो गया तो उस ये कहा जाएगा कि उसने ऑफेंस को कमिट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर मर्डर कर कोई किसी के ऊपर मर्डर का ऑफेंस लगा है तो सबसे पहले तो उसने उसके दिमाग में आएगा कि मैं ये इसका मर्डर करूँगा। फिर उसने हथियार वगैरह इकट्ठा किया होगा, फिर अटेम्प्ट किया होगा। जब अटेम्प्ट कामयाब हो गया तो ये बोला जाता है कि ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब इन चार स्टेजेस में जो ऑफेंडर की क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी, यानी अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस या क्राइम करने की सोचा, सोचने के बाद कुछ नहीं किया, तो क्या वो क्रिमिनली लायबल होगा। सेकंड एग्जांपल, अगर किसी ने ऑफेंस करने की सोचा और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की, लेकिन प्रिपरेशन करने के बाद उसने वो ऑफेंस नहीं किया, अपना इरादा बदल दिया, तो क्या वो क्रिमिनल लायबल होगा। थर्ड है कि किसी ने सोचा, प्रिपरेशन भी किया और अटेम्प्ट भी कर दिया, लेकिन उसका अटेम्प्ट जो है वो कामयाब नहीं हुआ, यानी ऑफेंस जो ऑफेंस करने की उसने सोचा था वो ऑफेंस हुआ नहीं, उसका अटेम्प्ट फेल हो गया, तो क्या उसको क्रिमिनली लायबल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब फोर्थ स्टेज आती है कि अटेम्प्ट जो है उसका सक्सीड हो गया, सक्सेसफुल रहा और ऑफेंस हो गया, तो इन दैट केस उसके ऊपर क्या क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। तो इंडियन पेनल कोड में जो फर्स्ट स्टेज है, इंटेंशन की स्टेज, उसको क्रिमिनली लायबल नहीं किया गया, यानी इंटेंशन को इंटेंशन इज़ नॉट पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड। कितना भी बुरा इंटेंशन हो किसी का, कोई कितना भी एविल इंटेंशन हो कोई ऑफेंस करने का, लेकिन उसने सिर्फ इंटेंड किया, इंटेंड करने के बाद उसने कोई ओवर्ट एक्ट यानी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये दिखता हो कि वो ऑफेंस को करने की तरफ प्रोग्रेसिव है, तब तक वो उसकी इंटेंशन को क्रिमिनली लायबल यानी क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर फिक्स नहीं की जाएगी। इंटेंशन इज नॉट क्रिमिनली पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड। सेकेंड स्टेज जो है प्रिपरेशन की, उसको इंडियन पेनल कोड ने एज ए जनरल रूल क्रिमिनली पनिशेबल नहीं किया, यानी प्रिपरेशन की स्टेज जो है वो पनिशेबल नहीं अंडर इंडियन पेनल कोड, बट इन सम केसेस इंडियन पेनल कोड ने प्रिपरेशन की भी स्टेज को क्रिमिनली लायबल यानी पनिशेबल बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सेक्शंस हैं इंडियन पेनल कोड में जिसमें प्रिपरेशन की स्टेज को भी पनिशेबल किया गया है। अब थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है अटेम्प्ट की और कमीशन ऑफ ऑफेंस की, तो ये दोनों स्टेजेस इंडियन पेनल कोड में पनिशेबल हैं, यानी अगर कोई की अटेम्प्ट करता है और उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो दोनों स्टेज में वो उसको पनिश किया जाएगा अंडर इंडियन पेनल कोड। तो फर्स्ट स्टेज जो है इंटेंशन की स्टेज, इसको आईपीसी ने क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया है, यानी कि अगर कोई क्राइम या ऑफेंस करने की सोचता है, इंटेंस करता है, तो देर इज़ नो कल्पेबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड अनलेस सम ओवर्ट एक्ट विच एग्जिबिट्स द प्रोग्रेशन टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम। जो सेकेंड स्टेज है प्रिपरेशन की, एज ए जनरल रूल प्रिपरेशन टू कमिट ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड, बट इन सम केसेज इंडियन पेनल कोड ने कुछ सेक्शंस में प्रिपरेशन की भी स्टेज को पनिशेबल किया, जैसे सेक्शन 122। इस केस में अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर वेज करने के लिए प्रिपरेशन करता है तो इस केस में प्रिपरेशन की स्टेज को पनिशेबल किया गया है, या फिर सेक्शन 126 में अगर कोई भी ऐसे कंट्री या ऐसी पावर जो कि इंडिया के साथ दोस्ती है उसकी या इंडिया के साथ वो पीस पे है, वहाँ पे वो डिप्रेडेशन करने के लिए प्रिपरेशन करता है, तो इन दैट केस प्रिपरेशन की स्टेज पनिशेबल होगी। थर्ड स्टेज आती है सेक्शन 233, 34, 35 और 257। यानी अगर कोई क्वाइन को काउंटरफीट करने के लिए या काउंटरफीटेड गवर्नमेंट स्टैम्प्स बनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, बेचता है या रखता है, यानी बनाने के केस में, बेचने पे भी और रखने पे भी उसको क्रिमिनली पनिश किया जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है सेक्शन 242, 243, 259 एंड 266। यानी अगर कोई काउंटरफीट कॉइन रखता है या काउंटरफीटेड गवर्नमेंट स्टैम्प्स रखता है या फॉल्स वेट और फॉल्स मेजर्स को अपने पास रखता है, तो इन दैट केस उसको क्रिमिनली लायबल यानी उसको पनिश किया जाएगा, इस सेक्शन में ये कहा गया है। फोर्थ एग्जाम्पल जो है अटेम्प्ट टू कमिट डकैटी, यानी सॉरी प्रिपरेशन मेड फॉर कमिटिंग डकैटी, यानी अगर कोई डकैटी डालने के लिए प्रिपरेशन करता है
तो इस केस में भी इंडियन पेनल कोड ने इस प्रिपरेशन को भी क्रिमिनली पनिश किया, यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स की जाएगी। थर्ड स्टेज आती है अटेम्प्ट, यानी अगर कोई किसी ने इंटेंशन किया, प्रिपरेशन किया, उसके बाद उसने अटेम्प्ट भी कर दिया और अटेम्प्ट करने के बाद उसका अटेम्प्ट जो है फेल हो गया, यानी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इन दैट केस क्या उसको क्रिमिनली लायबल किया जाएगा। तो इसको इंडियन पेनल कोड ने चार तरीके से डील किया है। एक तरीका तो वो है कि कमीशन ऑफ द ऑफेंस और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस को एक ही सेक्शन में डील किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 121, 124, 124A, 125, 130, इन सेक्शंस को पढ़ेंगे आप तो इसमें अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम और कमीशन ऑफ द क्राइम दोनों को एक ही सेक्शन में डील किया गया है और दोनों के लिए एक ही पनिशमेंट भी रखा गया, यानी अटेम्प्ट का और अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो दोनों के लिए एक ही पनिशमेंट है। सेकंड जो तरीका है इंडियन पेनल कोड का, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम और कमीशन ऑफ द क्राइम को अलग अलग सेक्शन में डील किया गया, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर का केस ले लो, मर्डर के केस में अगर मर्डर सक्सेसफुल रहा तो 302 लगेगा, अगर मर्डर अनसक्सेसफुल रहा, फेल हो गया, तो उस केस में 307 लगेगा। उसी तरह अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर 308 से डील होगा, और सेक्शन 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, यानी रॉबरी के केस में भी रॉबरी को अलग सेक्शन में रखा गया है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी को अलग सेक्शन में रखा गया है। थर्ड जो तरीका है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी सेक्शन 309 में अमिट कमिट सुसाइड को कोई कमिट करने के लिए अटेम्प्ट करता है और उसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो वो 309 से डील होगा। उसी तरह सेक्शन फोर्थ जो तरीका है सेक्शन 511, यानी इंडियन पेनल कोड में जिस ऑफेंस के अटेम्प्ट को पनिशेबल नहीं किया गया है, उसके लिए कोई फिक्स पनिशमेंट नहीं है, तो वो सारे ऑफेंस का जो अटेम्प्ट है वो सेक्शन 511 से डील होगा। अब फोर्थ स्टेज है यानी अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, कमीशन ऑफ द ऑफेंस हो गया, तो वो इंडियन पेनल कोड ने फुली पनिशेबल किया है अलग अलग सेक्शंस में, पूरे इंडियन पेनल कोड में डिफरेंट ऑफेंस की डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट दी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। इस क्रिमिनल लेक्चर सीरीज़ में हम पूरा इंडियन पेनल कोड डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।